दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही जहां एक ओर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगती है तो वहीं दूसरी ओर कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल भी शुरू होने लगता है। हम बात कर रहे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्य बाजार कोटद्वार की, जहां स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूनों को एकत्रित कर जांच के लिए भेज रहा है ताकि लोगों को मिलावटी सामान की पहुंच से दूर रखा जा सके। SDM कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सामग्री में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही पटाखों की बिक्री के लिए दो जगह चिन्हित कर दिए गए हैं। तो उसमें एक जो हमारे मेन होता है कि पटाखों की दुकानों का लगना, तो उसको लगकर दृष्टिगत रखते हुए हमने दो स्थान चिन्हित करे हैं, जिसमें एक प्रगति मैदान है और साथ ही दूसरा जो है एक नजीबाद रोड पे ग्राउंड है, एक वो मैदान है, तो उसका जो है निरीक्षण कर लिया गया है। तो दो स्थान इसमें चिन्हित किए गए हैं और साथ ही वहाँ जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो सारे इंतजाम भी निर्देशित कर दिए गए, वो सारे इंतजाम रखे जाएंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई भी दुकान जो है नहीं लगाई जाएगी, ये भी बता दिया गया है। और साथ ही साथ जितने हमारा चूँकि त्यौहार आ रहे हैं हमारे, तो उसी को दृष्टिगत रखते जितने हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं या उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो एक टीम बना करके जगह जगह जो है सैंपल लेंगे और उसमें भी जो है कार्रवाई करेंगे। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी AS रावत ने बताया कि दो दिन लगातार उनकी टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच में फेल होने पर संबंधित व्यवसायी पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल और आज हम लोग कोटद्वार में संयुक्त टीम, प्रशासन की टीम और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम दो दिनों से यहाँ पे कोटद्वार शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिनमें हमने लगभग 15 विभिन्न किस्म के खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, घी हो गया, मावा हो गया, कलाकंद हो गया और अनाजों से निर्मित मिठाइयों का नमूना, तो हम लोगों ने लगातार भेज रहे हैं और समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को हम ये हिदायत दे रहे हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में जहां पर मिठाइयों का निर्माण कर रहे हैं उसमें स्वच्छता और साफ सफाई का पालन करें और यदि औचक निरीक्षण में किसी भी प्रतिष्ठान में या किसी भी निर्माण इकाई में गंदगी भी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। वही जनपद के एकेश्वर क्षेत्र से मुख्य बाजार में खरीदारी करने आए राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने यहां आकर न सिर्फ पारंपरिक मिट्टी के दीपक की खरीद की बल्कि उन्होंने औरों से भी मिट्टी से बने दीयों को खरीदने की अपील की। मैं दिए खरीदे और मैं एकेश्वर से आ रहा हूं, क्यार्द मंडोली गांव से, और मैं दिवाली का सामान लेने आ रहा हूं कोटद्वार। और पारंपरिक जो हमारा होता है पहले से ही दिया जलते थे वो दिए लिए हमने यहाँ से और पटाखे कम यूज़ किए, मतलब दिए जो हैं शुद्ध मिट्टी के बने हुए, ये तो है ना, और ये जो कुमार का उसका भी गरीब आदमी का भला हो जाए इसे लेने से।